जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और फिलहाल दोस्तों मैं आज आपको लेके आ चुका हूँ शाहगंज जंक्शन, और आज कवर करेंगे शाहगंज जंक्शन, क्या नए यहाँ पे कार्य हुए हुए सब कुछ आज की वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे फ्रेंड। और बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं अपने शाहगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर फ्रेंड, ये आपको दिखाते हैं प्लेटफार्म जो वो सब कवर करेंगे फ्रेंड। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। पीछे देखा आपने बोर्ड लगा हुआ है, ये पुराना बोर्ड है जो शाहगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन का, काफ़ी पुराने ये सब बोर्ड हैं। और पूरा जो शाहगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पूरा जो एकदम बेहतरीन रीडेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं फ्रेंड, आइए आपको लेकर चलते हैं पीछे साइड से। इस तरफ के जो नए कार्य हुए हैं वो पूरा दिखाते हुए आपको लेकर चलेंगे। जो नई बिल्डिंगों का निर्माण कार्य चल रहा है वो दिखाएंगे, जिस तरफ टिकट और टिकट आरक्षण और सारी चीज़ें जो बनेगी वो सब दिखाते हुए लेकर चलते हैं आपको। देखेंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पे बिल्डिंगों का निर्माण कार्य जो वो बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही भव्य तरीके से चल रहा है, जो कि बहुत बड़े लेवल पर शाहगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट वर्क चल रहा है देख सकते हैं आप लोग। ये पीछे वाला एरिया मैं दिखा रहा हूँ, इस तरफ से एक रास्ता बनाया जा रहा है जो कि फैजाबाद वाला रूट है, उससे आपको मेन एंट्रेंस बनाया जाएगा। इस तरफ से आपको एंट्री होगी और बाकी एंट्री और तरफ से भी है। और बाकी देख सकते हैं ये जितनी बिल्डिंगों का निर्माण कार्य चल रहा है फ्रेंड, इस तरफ से आपको ले चलते हैं दिखाते हैं, बाकी पीछे से पूरा कवर करते हैं आज। यहाँ पे बिल्डिंगों का निर्माण होगा, उसमें इन सबको मार्बल और जो पत्थर लगाने का कार्य होगा देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड। और बाकी इस तरफ से ये फैजाबाद वाला रास्ता है, इसमें यहीं से मेन एंट्रेंस बनाने का कार्य होगा फ्रेंड। तो बाकी दोस्तों आप लोग देखेंगे जो भी नई बिल्डिंगों का निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पे टिकट आरक्षण और जितने भी व्यवस्थाएं इस तरफ करी जाएंगी फ्रेंड। और ये जो टंकी है ये सारी चीज़ें जो इस इधर लाइनें बिछेंगी और ये मेन प्लेटफार्म होगा, एक नंबर प्लेटफार्म होगा, और ये टंकी और ये सारी चीज़ें जो टूटेंगी। और नया जो पुराना फुटओवर ब्रिज है वो भी तोड़ दिया जा चुका है, बाकी ये जो टंकी है जो भी इस रास्ते में आने वाली चीज़ें हैं इन चीज़ों को तोड़ा जाएगा, इनको तोड़ के ख़त्म किया जाएगा और एकदम बेहतरीन निर्माण किया जाएगा नए प्लेटफार्म नई लाइनों का जो निर्माण कार्य चल रहा है फ्रेंड। और बाकी फुटओवर ब्रिज तो अपना ये कंप्लीट तैयार हो ही चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसके माध्यम से आपको ले चलते हैं आगे, ले चलेंगे लाइनें जहाँ तक बिछ रही हैं और बहुत सी चीज़ें जो नए कार्य हो रहे हैं वो दिखा देते हैं आपको। बने रहिएगा वीडियो पे, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। दोस्तों इस तरफ लाइनें जो बिछ के आ रही हैं वहाँ तक रोका गया है, और पूरी जो गिट्टी यहाँ पे बिछाई जा रही है, फिर उसके बाद जो स्लीपर बिछाए जाएंगे। और बाकी उस तरफ देख सकते हैं प्लेटफार्म, ये पूरा प्लेटफार्म बनाया जा रहा है, इस पर जो सुविधाएँ हैं जो यात्रियों को सुविधाएँ मिलेंगी वो सारी चीज़ें इस पर बनाई जा रही है। बाकी इस तरफ पूरे जो माल मटेरियल इस तरफ रखे हुए हैं, और ये सामने है अपना स्टेशन ऑपरेटर सेंटर देख सकते हैं आप लोग, शाहगंज जंक्शन। और फुटओवर ब्रिज आपका देख सकते हैं कंप्लीट है, देखते हैं ये जो मेन प्लेटफार्म यही है फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग। और पीछे से एक रास्ता बनाया जाएगा जिसके माध्यम से आप आएंगे, पूरे बिल्डिंगें जो सामने बन चुकी हैं और बहुत तेज़ी से बनाई जा रही हैं, जिसमें कि टिकट आरक्षण और विश्रामालय बहुत सी चीज़ें जो बनाई जाएंगी देखेंगे फ्रेंड। यहाँ पर मऊ आनंद विहार जो गोरखपुर से चलती है उसका यहाँ से शाहगंज जंक्शन से डिपार्चर देख सकते हैं आप लोग। इस तरफ देखेंगे ये लाइनें एक दो तीन लाइनें ये पूरी बिछती हुई आ रही हैं आजमगढ़ साइड से, ये पूरी लाइनें जो बिछती हुई है पूरे जाएंगी और इसके बीच में जो भी चीज़ें आएंगी उसको तोड़ा जाएगा। और दोस्तों देखेंगे इस तरफ आ गया हूँ मैं, एक नंबर जो आगे की तरफ दिखाई ये पूरा दिखा चुका हूँ, ये जो नया प्लेटफॉर्म बन रहा है इसको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो शौचालय और बाकी अन्य चीज़ें जो बनाई जा रही हैं देख सकते हैं आप लोग, देखते हैं पूरा जो इस पर ढलैये का कार्य वो हो चुका है फ्रेंड। और यहाँ पे जो नए कार्य हो रहे हैं वो भी दिखा देते हैं। अगर बात करें दोस्तों तो सारी चीज़ें जो बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाई जा रही हैं देख सकते हैं शाहगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे फ्रेंड, एक नंबर उस तरफ होगा, दो नंबर ये होगा, और तीन नंबर पे इस वक्त मैं चल रहा हूँ, यही तीन नंबर प्लेटफार्म है फ्रेंड, जो कि आने वाले किसी टाइम में ये मेन प्लेटफार्म हुआ करता था। और ये तीन है, ये इस तरफ चार नंबर है, वो पाँच नंबर है, और बिल्कुल लास्ट वाला छः नंबर है। और फुटओवर ब्रिज के माध्यम से आपको लेकर चलेंगे, बाकी जो प्लेटफार्म है वो भी कवर करेंगे वीडियो में। शाहगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे जो टंकी है इसको तोड़ने का कार्य अब स्टार्ट हो चुका है, इसको भी तोड़ा जाएगा, न जाने कितनी पुरानी ये टंकी होगी। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे पुराना जो फुटओवर ब्रिज था उसको तोड़ के ख़त्म कर दिया जा चुका है, और बाकी चीज़ें जो भी हैं यहाँ पर ये सब तोड़ी जाएंगी। यहाँ पर एक फूड ट्रैक है जहाँ से आप खाना और खाने वाली चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी देख सकते हैं ये जो पुराना फुटओवर ब्रिज था इसको तोड़ के ख़त्म कर दिया जा चुका है, जो फुटओवर ब्रिज पुराना वाला था फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग, पूरा तोड़ के यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है। और बहुत सी चीज़ें जो भी पुरानी चीज़ें थी यहाँ से ख़त्म करा जाएगा, अब बिल्कुल नए तरीके से यहाँ पर निर्माण किया जाएगा हर चीज़ों का।
दोस्तों सहागंज जंक्शन पर बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं और यात्री भी बहुत कंफ्यूज हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहा हूँ जो कभी एक नंबर था वो अब 3 नंबर हो चुका है, और बाकी इस तरफ 4 नंबर जो बन रहा है उसको दिखा देते हैं आपको। और दोस्तों देखेंगे आप लोग यात्री जो बहुत कंफ्यूज हैं, भैया यहाँ से पूछ रहे हैं कि 3 नंबर कौन सा है। अब जो 1 नंबर था उसको 3 नंबर कर दिया गया है, और वहाँ पे नंबर लिखा भी है 3 नंबर। और सामने देखेंगे अपनी गोदान एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक से चल के जो छपरा तक जाती है उसका अराइवल हो रहा है यहाँ पे, और ये जाएगी आजमगढ़ होते हुए, मऊ होते हुए और सिवान होते हुए ये छपरा तक जाएगी, जो कि छपरा से चलने वाली ये गोदान एक्सप्रेस है, लोकमान्य तिलक तक चलती है, और गोरखपुर से एक चलने वाली है और एक ये छपरा से चलने वाली है। बाकी मैं इस वक्त खड़ा हूँ फ्रेंड प्लेटफॉर्म संख्या 4 नंबर पे, इस पे भी निर्माण कार्य चल रहा है देखेंगे आप, और 6 नंबर लेके चलेंगे उसको भी दिखाएंगे आपको। बहुत ही तेज़ी से इस पे डेवलपमेंट कार्य चलाए जा रहे हैं फ्रेंड, ये पूरा बनाया जाएगा प्लेटफॉर्म, वहाँ तक बना दिया जा चुका है फ्रेंड। आगे लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं कहाँ तक कम्प्लीट हो चुका है। बाकी लाइनें जो हैं उसकी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, लाइनें एक एक करके यहाँ पे बिछाई जा रही हैं। 5 नंबर प्लेटफार्म जो है वहाँ पे एक मालगाड़ी खड़ी है, उसका लोकोमोटिव देख सकते हैं आप लोग सामने बिल्कुल, और इसके सामने से ही हम लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं प्लेटफार्म संख्या 6 कहाँ तक निर्माण हो चुका है, कहाँ तक कार्य पूरे हो चुके हैं। देख सकते हैं फ्रेंड कितना तेज़ी से कार्य चल रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग इस तरफ, ये जो प्लेटफार्म संख्या 6 है और यहाँ पे जो लाइनें बिछाई गई हैं ये लाइन यहाँ तक जाके इसको रोका जाएगा। और बाकी देख सकते हैं हर वक्त कोई ना कोई ट्रेन सहागंज जंक्शन पर अराइवल और डिपार्चर लेती रहती है फ्रेंड, हर वक्त पूरे दिन में न जाने कई 100 ट्रेनों का यहाँ पर अराइवल और डिपार्चर होता है फ्रेंड। और बाकी इस तरफ एक लोकोमोटिव देख सकते हैं, मालगाड़ी खड़ी है। नए प्लेटफॉर्म का निर्माण काफ़ी तेज़ी से किया गया और फ्रेंड बहुत सी चीज़ें इस पे बन के तैयार हो चुकी हैं, और दिव्यांग के लिए इस तरफ देख सकते हैं आप लोग शौचालय बनाया गया है, जो रैंप के माध्यम से दिव्यांगों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है। और इस तरफ देखेंगे शौचालय पुरुष और महिलाओं के लिए, बाकी यहाँ पर बेसिंग लगाया गया है और पूरा एकदम 1 नंबर बन के तैयार हो चुका है प्लेटफॉर्म संख्या 6। और पानी वानी पीने की जो सुविधाएं हैं वो देख सकते हैं आप लोग कितनी शानदार बनाई गई हैं यहाँ पे। बाकी इस तरफ से पूरा जो रेलिंग बनाई गई है पानी निकलने के लिए, एक यहाँ पे नाली टाइप का बनाया गया है फ्रेंड, और ये बहुत से यात्री 6 नंबर पे भी हैं। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कुछ शेड इस तरह के छोटे छोटे 4 चेयरों वाली शेड जो यहाँ पर बनाए गए हैं, और बाकी आगे की तरफ बड़ा शेड लगाया गया है। और पानी पीने की जो सुविधा है ये देख सकते हैं आप लोग सामने, और इस तरफ जो बड़ा शेड बनाया गया है टीन शेड जिसमें। और मेरे दोस्तों आपको दिखा देते हैं जो नया फुटओवर ब्रिज बन के कम्प्लीट हो चुका है उस पर अभी भी कार्य चल रहे हैं, सीढ़ियों का जो कार्य वो चल रहा है, सीढ़ियां जो बनाई जा रही हैं इस पर। और एक लोकोमोटिव यहां पे खड़ा है मालगाड़ी का, और सामने देखेंगे ये है आपका 6 नंबर पर जो टीन शेड बनाया गया है, यहाँ पर लगभग 2 और 2 4 2 6 2 8 चेयर यहाँ पर लगाई गई हैं। और फिर दिखा देते हैं आपको फुटओवर ब्रिज के ऊपर से लेके चलेंगे आपको दिखाएंगे, बाकी एक लोकोमोटिव यहाँ पे खड़ा है, और बाकी जो नया जो आगे की तरफ भी टीन शेड बनाया गया है लगभग 8 चेयर का। सो आइए आपको लेके चलते हैं सीधा फुटओवर ब्रिज के माध्यम से लेके चलेंगे फ्रेंड, दिखाएंगे आपको। बाकी दोस्तों देखेंगे आप लोग सीढ़ियों पे जो ग्रेनाइट लगाने का कार्य चल रहा है वो दिखा देते हैं आपको, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो जानकारी है दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। बाकी अपना सहागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, ट्रेनों का हर वक्त जो यहाँ पर अराइवल और डिपार्चर होता रहता है। और यहाँ देखेंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पे मार्बल लगाने का कार्य चल रहा है। अच्छा मार्बल लग रहा है, ये मार्बल भैया, अच्छा मार्बल लगाने का कार्य चल रहा है दोस्तों, देखेंगे आप लोग यहाँ पे ऊपर जो पूरा मार्बल लगाया जा चुका है, फिनिशिंग का कार्य चल रहा है फ्रेंड इस वक्त अपने सहागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। देख सकते हैं आप लोग कुछ ऊपर से व्यू देख सकते हैं आप लोग, ये पूरी जालियां जो ये पूरी लगा दी जा चुकी हैं जिसके माध्यम से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और कोई भी खतरा नहीं होगा। और बाकी दोस्तों देख सकते हैं आप लोग जो पूरा इस पर मार्बल जो लगा के कंप्लीट कर दिया जा चुका है, सीढ़ियों पे मार्बल लगा दिए जा चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग, देखेंगे पूरा जो मार्बल लग चुका है सीढ़ियों पर, आगे वाली सीढ़ियों पर भी लगाया जा चुका है, और लास्ट वाली जो सीढ़ी है उस पर लगाने का कार्य चल रहा है।
रही हैं। इस तरफ देखेंगे अभी पूरा जो मार्बल वो लगना बाकी है, इस तरफ देख सकते हैं आगे एक तरफ लग चुका है और बहुत से जो मार्बल पत्थर लगाने बाकी हैं, और इस तरफ जो पूरे लगाए जा चुके हैं देख सकते हैं आप लोग, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस तरफ के पूरे जो मार्बल पत्थर इस सीढ़ियों पे लगा के कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा वाइड और बहुत चौड़ा बनाया जा रहा है जो सागन जंक्शन रेलवे स्टेशन का फुट ओवर ब्रिज। बाकी एक नंबर पे वो उस तरफ से लगना चालू है, उस तरफ लग रहा है अभी। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज की अपडेट जो सागन जंक्शन की अपडेट दिखाया मैंने आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ रोमांचक कुछ जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।